बहुत मेहनत कर रही हूँ, थोड़ा सा तो हेल्प कर सकते हो ना आप लोग, मेरे चैनल ग्रो कर लो प्लीज। एक्चुअली ना मेरा चैनल फ्रीज हो गया है क्योंकि मैं ज्यादातर वीडियोस लगातार अपलोड नहीं कर रही थी, कभी करती हूँ कभी नहीं करती हूँ, कभी करती हूँ तो कभी नहीं करती हूँ, इस वजह से मेरा पूरा चैनल फ्रीज हुआ है। तो मैंने अभी कुछ दिनों से ही स्टार्ट किया है, थोड़ी दिक्कत हो रही है, न्यू चैनल से भी ज्यादा दिक्कत होती है, जानते हो ना, फ्रीज हो जाने के बाद चैनल डेड हो जाता है, समझ लो मतलब कोई व्यूज ही नहीं, फिर भी थोड़े बहुत मेरे आ रहे हैं, आप लोग आ रहे हो, देख रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, तो मेरा 1K होने वाला है एंड 1K आप लोग कर दो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग, उम्मीद है बहुत ही अच्छे से होगी। तो रमज़ान चल रहा है और ईद भी आने वाला है, बहुत ही पास में है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे कुछ कपड़ों का हॉल शेयर करूं जो कि मैंने मंगवाया है मीशो से, बहुत ही बढ़िया कलेक्शन है। आप चाहो तो रमज़ान में भी वेयर कर सकते हो, जुमे में खास करके लड़कियाँ वेयर करती है न्यू क्लॉथ, रमज़ान में स्पेशली, तो मैंने इसीलिए ये ऑर्डर किए हैं खुद के लिए, मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर क्यों ना किया जाए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखिए मैंने इतने सारे कपड़े मंगाए रखे जो कि आप ईद में भी वेयर कर सकते हो, एंड ईद के बाद जो सेकेंड एंड थर्ड डे होता है उन दिनों के लिए ना थोड़ा सा कैजुअल रहता है कपड़ा, तो बहुत ही अच्छा लगता है, तो उस टाइप का मैंने ये हॉल किया है, ज्यादा नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखाऊंगी शेयर करती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बकबक नहीं करूंगी मैं अभी। तो फर्स्ट वाले कपड़े से स्टार्ट करूँगी जो कि बिल्कुल कैजुअल है, एकदम ही आप रेगुलर वेज में पहन सकते हो इसे, और बहुत ही प्यारा कलर इसमें आपको कलर्स मिल जाएंगे, 2-3 कलर्स और, पर मैंने पिंक लिया है, मुझे अच्छा लग रहा है। ये देखिए इतना डीप नहीं है जितना कि वीडियो में दिख रहा है, मैं पास से दिखा दूँ, है अच्छा खासा पिंक कलर है, बट वीडियो में थोड़ा डार्क लग रहा है रेड रेड एंड लाइट के कारण, बट इतना बहुत ही प्यारा सा, मतलब बेबी पिंक, क्या रानी पिंक है ये, हाँ रानी पिंक जो कहते हैं ना वो कलर है, बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप फेयर हो तो थोड़े से, वरना सभी कलर पे अच्छा लगेगा, बहुत प्यारा लगेगा। और इसके नेक पे देखिए यहाँ पे ये वर्क हुआ हुआ है, ये टिकली बुंदी क्या कहते हैं उसका छोटा छोटा सा, तो अच्छा लुक आ रहा है इसके। मैंने ये एम साइज मंगाया है, आप अपने हिसाब से मंगा सकते हो, तो इसमें स्लीव्स भी 3/4 है और इसका डिजाइन भी अच्छा है, मतलब आप पहन सकते हो, कुछ भी अनसन नहीं बना हुआ है, अच्छा डिजाइन है। आप कपड़ा लेने टाइम ना एक बात का ध्यान रखो, कुछ भी उल्टा सीधा ना बनाओ, तो मैंने तो अभी तक मुझे ऐसा कोई कपड़ा मैंने मंगाया नहीं जिसमें जो मैं पहन के नमाज ना पढ़ सकूँ या फिर कुछ भी, तो वैसे कपड़े ना ही ले। एंड ये देखिए इसमें और आपको इस तरह से मिलता है, यहाँ नीचे आपको लेस मिल जाता तो और भी अच्छा लगता, बट इसमें नहीं दिया है, पर प्राइस के हिसाब से मुझे लगता है ये मतलब परफेक्ट आया है यार। कपड़े के मटेरियल भी बहुत ही अच्छा है, कॉटन फैब्रिक है, वॉश करो और पहनो इस तरीके का मुझे लग रहा है। इसके साथ ही इसका पैंट आया है, ये पैंट है इसका, रबर तो सब में इलास्टिक की लग जाती है, ये पैंट आया है जो कि व्हाइट है, ये भी कॉटन में है, रायन नहीं है, और इसके नीचे एक लेस लगा हुआ है जो कि मैच होगा इसमें, देख सी इस सेम कलर का मैच होगा, बट इसमें दुपट्टा नहीं है क्योंकि प्राइस इसकी बहुत कम थी, प्राइस अगर बढ़ जाती दुपट्टा होता तो ये मुझे 300 थ्री ऑफर्स लगाते हो ना तो आपको मतलब 300 के आसपास आ जाएगा, ये 30-40 रुपीज इसका प्राइस है, एक्चुअल प्राइस जो है, बट आप ऑफर लगा के ऑनलाइन पेमेंट करके ना इसे 300 में ले सकते हो। तो मैंने कुछ ऐसे ही लिया है, मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, अगर नहीं देती हूँ तो कमेंट कर लेना, मैं आपको सेंड कर दूंगी, पर्सनली मैं आपको मैसेज करके सेंड कर दूंगी। तो इसका लेंथ भी मुझे अच्छा लगा है, मीशो के जो कपड़े के पैंट होते हैं ना लंबे रहते हैं, तो मुझे लंबे पैंट ही ज्यादा मैं पसंद करती हूँ पहनना, शॉर्ट क्या होता है ना ज्यादा ही शॉर्ट हो जाता है जब आप वॉश करते हो ना, तो बहुत ज्यादा ही कपड़े शॉर्ट हो जाते हैं, और कपड़े हमें से थोड़े से साइज में अपना बड़ा ही मंगाए तो बेटर है, क्योंकि धुलने के बाद काफी बार ऐसा होता है कि कपड़े मतलब जो है ना चढ़ जाते हैं, तो इस वजह से मेरा खैर एम साइज मुझे परफेक्ट होता है, ना ज्यादा लूज है ना ज्यादा फिटिंग है, तो अभी तो ज्यादातर लूज कपड़ों का ही ट्रेंड चल रहा है, तो लूज ही कपड़े, तो ये था मेरा एकदम कैजुअल सा था ये वाला, अभी और भी बाकी है जो कि आप ईद में भी पहन सकते हो, तो ये मैंने कैजुअल से पहले इसलिए दिखा दिया क्योंकि रमजान है ना और गर्मी भी इतनी पड़ी हुई है यार कि क्या ही बोल, बहुत गर्मी आ गई है अचानक से पता नहीं क्यों, तो आप इसे समर में भी ले सकते हो, ये समर स्पेशल भी है, आप इसे गर्मियों में भी पहन सकते हो, कॉटन का एकदम हल्का सा कपड़ा है, तो धुलने के बाद और हल्का हो जाएगा, तो इसे आप बाय कर सकते हो। मैं वीडियो लगा रही हूँ, आप लोग देखें किस तरीके का ये दिख रहा है पहनने के बाद, बहुत ही मुझे बढ़िया लग रहा है, 300 रुपए के हिसाब से कंफर्टेबल भी, हर लुक भी बहुत ही बढ़िया आ रहा है इसका, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही पसंद आया, आप लोग ले सकते हो, बाय कर सकते हो। इस ड्रेस में मुझे बहुत ही अच्छी खासियत लगी, इसमें कलर बहुत सारे हैं, आपको पिंक नहीं लेना, आप और भी कलर्स ले सकते हो, आप कलर्स चेंज करके ले सकते हो, और आप इसमें दुपट्टा वेयर करते हो तो वाइट दुपट्टा ले सकते हो, अगर आपके पास है तो फिर कोई बात ही नहीं, आप हिजाब वेयर करते हो तो और भी कोई टेंशन नहीं है, हिजाब के साथ सब चल जाता है, तो व्हाइट कलर का हिजाब भी वेयर करोगे तो बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो आप चलिए दिखाते हैं हम आपको सेकेंड वाला कुर्ता सेट, मैं सेकेंड वाला थोड़ा सा हैवी में दिखा देती हूँ,
हैवी मीनिंग में, बट समर में आप इस गर्मी में पहन सकते हो, मतलब दिखने में ये लगेगा कि हाँ मतलब अच्छा लग रहा है, बट आप समर में पहन सकते हो। ये देखिए, ये अनारकली मुझे रिसीव हुआ था, इसमें ये दो लटकन लगे हुए हैं, क्यूट लग रहे हैं। तो ये अनारकली मुझे रिसीव हुआ, अच्छा खासा इसमें लेंथ आ जाता है और अच्छा खासा इसमें फ्लेयर भी आ जाता है। इसका इसमें भी आपको कलर्स अवेलेबल हो जाएगा, पर मैंने ये ग्रीन एंड व्हाइट में लिया। आप लोग बोल रहे होंगे क्या मेरी मम्मी ने बोला है, क्या ऑर्डर किया है तुमने, हरे हरे पत्तियां लग रहे हैं पहने की, तो एक पेड़ लगेगी, गांच लगेगी, क्या लगेगी। मैंने बोला अरे बहुत बढ़िया लगेगा पहनने के बाद, कलरफुल है, बहुत प्यारा लग रहा था। वैसे मैंने दिखाया तो उन्हें बहुत प्यारा लगा। इसमें येल्लो भी है प्रिंटेड, और ये ना इसका ना फैब्रिक ना इसका फैब्रिक मेंशन किया गया है नेट, बट ये नेट नहीं है गाइस, ये जो है ना सॉफ्ट फैब्रिक है। मान लो हाँ शिफॉन का ही फैब्रिक नहीं होता है, जो कि हल्का सॉफ्ट होता है, जो कि चुभता नहीं है, वो वाला फैब्रिक है। तो इसका मुझे फैब्रिक का मुझे डाउट था यार, मैंने बाद में देखा कि इसमें नेट लिखा हुआ है यार, क्या मैंने मंगा लिया, बट इसमें नेट नहीं है। अच्छा सॉफ्ट फैब्रिक है, और आपको इनर वे ना इसके अंदर जो अस्तर आएगा ना वो हाफ आएगा, यहाँ तक का आएगा, यहाँ तक का आपको अस्तर आएगा, और नीचे ये प्लेन है जो कि काफी अच्छा है, ज्यादा हैवी नहीं होगा, हल्का सा है, भारी नहीं आएगा। और ये ट्रांसपेरेंट बिल्कुल नहीं है, ये मत समझना कि ट्रांसपेरेंट नहीं है, हल्का सा कपड़ा आप गर्मी में भी वेयर कर सकते हो, और लुक भी बहुत ही बढ़िया आएगा इससे, इसे पहनने के बाद लुक बहुत बढ़िया आएगा। और इसके साथ ये क्यूट सा बेल्ट है जो कि मुझे बहुत पसंद आया है, जिसे आप कमर में इसे मैं पिक लगा रही हूँ, पिक में आप जैसे देख सकते हैं ना उसी तरीके से यहाँ पे ये एडजस्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही प्यारा सा बेल्ट है, आप दूसरे कपड़े में भी इसे वेयर कर सकते हो। तो ये गोल्डन सा वर्क है, एक लेस टाइप का है, और इसमें ये दे दिया गया है। अच्छा होता कि बेल्ट टाइप का होता कुछ हुक वगैरह, मगर ये दे दिया, खैर चल जाएगा। तो ये वाला कपड़ा फ्लेयर बहुत ही अच्छा है, इसमें बहुत ही बढ़िया फ्लेयर है इस कपड़े में भी, और इसकी भी स्लीव्स आपको थ्री क्वार्टर मिल जाएगी, फुल स्लीव नहीं है, फुल स्लीव्स नहीं मिलेगी। ये मैंने ना मुझे साइज नहीं साइज शायद हाँ आउट ऑफ स्टॉक जा रहा था, तो मैंने एस साइज ऑर्डर कर दिया था, बट मुझे ये एम ही मिल गया, तो मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि स्मॉल साइज मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा फिट आ जाता है, इसलिए मैं मुझे बहुत ही खुशी हुई कि मुझे ये एम साइज ही मिल गया। इसमें भी आपको कलर मिल जाता है, आप अपने कलर अपने चॉइस के हिसाब से कलर चूज कर सकते हो, बहुत बढ़िया बढ़िया कलर मिल जाएगा आपको, पर्पल भी मिल जाएगा जो कि बहुत प्यारा लग रहा था, बट मैंने ये ग्रीन लिया है मुझे, क्योंकि मैंने पर्पल दूसरा कलर का ले लिया है, दूसरा कपड़ा ले लिया है, सॉरी दूसरा कलर नहीं। तो ये हाँ, और इसके साथ मैंने तो बताया ही नहीं, इसके साथ आपको एक दुपट्टा मिलता है, इसके साथ इसका दुपट्टा मिलता है जो कि सेम फैब्रिक का है एकदम, तो कोई मतलब गड़ेगा नहीं, नेट टाइप नहीं है, सॉफ्ट शिफॉन टाइप है इसका फैब्रिक, कुछ ऐसा है, और ट्रांसपेरेंट बिल्कुल नहीं है, तो प्यारा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये वाला ड्रेस। एंड इसके साथ आपको पैंट ही नहीं रिसीव होगा, ये सिर्फ दुपट्टा और अनारकली का सेट था, इसके साथ आपको पैंट नहीं, बट आप व्हाइट पैंट अगर आपके पास है, लेगिंग्स है या फिर जीन्स कुछ भी मतलब है व्हाइट कलर का जिसे आप पहनते, आपको फुल ही आएगा, थोड़ा सा दिखेगा, तो अगर दिखेगा अगर ज्यादा लंबे हो तो ये पूरा लेंथ का ही आ जाएगा, थोड़ा सा आपको गैप हो सकता है, थोड़ा सा मुझे होगा। तो इसे मैं पहन के भी दिखा दूँ थोड़ा सा, तो पहनने के बाद सुंदर लग रहा है ये वाला ड्रेस, मुझे पहनने के बाद भी बहुत कम्फर्टेबल, मुझे काफी अच्छा कंफर्ट मिल रहा था, जो कि मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मुझे इस प्राइस में और इतना अच्छा लुक वाइज मुझे इतना कंफर्ट मिलेगा। इसका प्राइस मैंने इतना बताया पर प्राइस आपके साथ नहीं बताया, तो इसकी प्राइस है आपको पड़ जाती है सिर्फ और सिर्फ 400 के अंदर, एग्जैक्ट प्राइस मुझे याद नहीं है, मैं स्क्रीन पे लगा रही हूँ, तो मुझे 400 के अंदर ये मिल जाती है, ऑफर्स लगा लोगे तो 350 रुपीज़ में 370 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा ये, तो प्राइस के हिसाब से मुझे बहुत बढ़िया लगा यार, 300-400 रुपये में इतने प्यारे प्यारे कपड़े मिल रहे हैं, एकदम मतलब आप सेलिब्रिटी टाइप लगोगे, और क्या चाहिए, बहुत ही खूबसूरत लगोगे इतने प्यारे के प्यारे कपड़े पहन के। तो चलिए मैं आपको थर्ड वाला दिखा दूँ, तो थर्ड मैं ये वाला कॉट सेट बोले या फिर कुर्ता सेट बोले जो भी बोल रहे हैं, ये वाला ड्रेस है थर्ड, तो ये थर्ड ड्रेस आपको मैं दिखा दूँ किस तरीके का है, ये थोड़ा ऑफिशियल लुक है, मतलब कॉलेज वगैरह लड़कियाँ जाती है ना तो उनके लिए अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा ये, यहाँ पे कॉलर टाइप आ जाता है और ये बटन है जो कि सोपी से ओपन नहीं होगा, फुल लेंथ में ये बटन आ जाता है आपको, और इसका लेंथ भी काफ़ी अच्छा है, लंबी चौड़ी अगर कोई लड़की है तो उस पर मतलब परफेक्ट बैठ जाएगा, काफ़ी अच्छा इसका चौड़ा भी है ये, और लेंथ भी काफ़ी अच्छा आ जाता है, और इस देखिए और नीचे से ये कट किया हुआ है, बीस से इसकी कटिंग होगी, साइड से इसमें कोई कटिंग नहीं है पर 20 से, इसीलिए इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, फ्रॉक टाइप को आपको थोड़ा सा लगेगा, कॉट सेट बहुत ही मतलब प्यारा लग रहा है मुझे तो, एकदम बढ़िया लग रहा है, इसका कलर जो इसका प्रिंट है ना मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद आया, आपको लग रहा होगा कि अजब प्रिंट है मगर इसका प्रिंट बहुत ही प्यारा है गाइस, देखिए
इसे वेयर करके मैं दिखाऊंगी, तभी आपको समझ में आएगा कि कितना प्यारा प्रिंट है। इसके प्रिंट की वजह से मैंने इसे परचेस किया है। इसका प्रिंट एंड कपड़े का फैब्रिक तो बोलने की जरूरत ही नहीं है कपड़े के फैब्रिक के बारे में, क्योंकि इतना प्यारा फैब्रिक है ना, मतलब ना आप इसे ठंड में भी वेयर कर सकते हो आराम से, और गर्मी में भी वेयर कर सकते हो। तो इसका फैब्रिक बहुत ही बढ़िया, और देखिए इसमें ये बना हुआ है हाथ में, जो कि काफी ऑफिशियल लुक आ रहा है। ये आप ऑफिस वगैरह में या कॉलेज वगैरह में पहन के आराम से जा सकते हो, बहुत ही बढ़िया है। आपको इस तरह के कपड़े अगर पसंद है तो इसे बाय कर लो, कॉलर वाले। एंड इसके साथ इसका पैंट आया था, कॉर्ड सेट है तो इसके साथ इसका पैंट आया था, जो कि सेम प्रिंट में आपको मिल जाता है, सेम मिल जाता है सेम प्रिंट में, और सेम आपका इसका भी फैब्रिक सेम टू सेम है। हाँ, 420 या 50 रुपीज में ये मुझे आ गया था, ऑफर्स लगा लोगे तो थोड़े 20-30 रुपये और कम हो जाते हैं गाइस। तो ये पहनने के बाद कुछ इस तरीके का दिख रहा है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, लुक आ रहा था बहुत ही बढ़िया, क्यूट सा बहुत ही अच्छा लग रहा था। बट मुझे एक चीज़ इसमें की गड़बड़ी लग रही है ना, इसमें बटन जो ऊपर दिया ना उसमें, मतलब ये फ्रंट ओपन बटन रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता, बट ये सो पीस है, बटन मतलब आप खोल बंद नहीं करोगे, यहाँ का ऐसा ही खुला रहेगा, तो ये खुला रहेगा बट उतना कुछ ज़्यादा गहरा नहीं है, तो ये चल जाएगा। समर का टाइम है, अभी गर्मियों का टाइम, इसके प्राइस के हिसाब से बढ़िया है, कपड़े की क्वालिटी अच्छी, पहनने के बाद बहुत ही बढ़िया लुक आ रहा है। लास्ट फोर्थ जो है वो है ये वाला कलर है गाइस, लाइट से मैं हटा के दिखाती हूँ आपको, सी इसका कलर है गाइस, लवेंडर कलर, पर्पल कलर जो भी कह लो। तो सी इसकी फैब्रिक, इसका फैब्रिक और इसका कपड़ा और इसका डिजाइन वन नंबर है सच में। ये मैं ना बहुत दिनों से मिंत्रा पे देख रही थी, मैंने सोच रखा था कि मैं ये वाला लूंगी ईद के लिए, बट ये मुझे मीशो पे दिख गया, और जब मीशो पे दिखा तो मैं रुक ही नहीं पाई इसे लेने के, जैसे मुझे दिखा है ना मैंने वैसे ही इसे परचेस किया है कसम से। इसको मैं आपको फुल दिखा दूं कैसा है ये, सी काफी अच्छा घेर है। अब मिंत्रा पे मैं सोचती थी कि शायद इसमें चिकनकारी का वर्क है जब मैंने देखा था, क्योंकि उसमें पिक्स उसमें ज़्यादातर रिव्यू मुझे नहीं दिखते हैं कोई भी कपड़े के, पर इसमें चिकनकारी का वर्क नहीं है, प्रिंट है, बट ये प्रिंट भी कमाल का लग रहा है। देख इसका फैब्रिक और इसका कपड़ा और इसका डिज़ाइन वन नंबर है सच में। ये मैं ना बहुत दिनों से मिंत्रा पे देख रही थी, मैंने सोच रखा था कि मैं ये वाला लूंगी ईद के लिए, बट ये मुझे मीशो पे दिख गया, और जब मीशो पे दिखा तो मैं रुक ही नहीं पाई इसे लेने के, जैसे मुझे दिखा है ना मैंने वैसे ही इसे परचेस किया है कसम से। इसको मैं आपको फुल दिखा दूं कैसा है ये, सी काफी अच्छा घेर है। अब मिंत्रा पे मैं सोचती थी कि शायद इसमें चिकनकारी का वर्क है जब मैंने देखा था, क्योंकि उसमें पिक्स उसमें ज़्यादातर रिव्यू मुझे नहीं दिखते हैं कोई भी कपड़े के, पर इसमें चिकनकारी का वर्क नहीं है, प्रिंट है, बट ये प्रिंट भी कमाल का लग रहा है, देख रहे हो ना एकदम चिकनकारी का वर्क ही लग रहा है। और फिर इस पे लेस आ जाता है ये वाला, जो कि दुपट्टे के फैब्रिक में भी सेम टू सेम है, और इसका मैंने एम साइज परचेस किया है जो कि मुझे परफेक्ट आएगा। तो इसका और इसका ये देखे नेक, जो कि यहाँ से फुल यहाँ तक आ जाता है, एक ताबीज टाइप का बना हुआ है, एंड इसका फ्लेयर भी काफी अच्छा है। इसमें ना आपको वो आ जाते हैं क्या कहते हैं, अरे यार क्या कहते हैं वो पट्टी टाइप के ना जॉइंट करके ये बना है, जैसे एक प्लेन फ्लेयर होता है, मुझे उतना आइडिया नहीं है, मैं कपड़े वगैरह नहीं सिलती हूँ, बट मैं बता रही हूँ पट करके बना हुआ है, एक टुकड़ा करके, जो पीस नहीं होते जिसमें अनारकली, पूरा अनारकली, हाँ अनारकली वाला व्यवहार है, पूरा अनारकली टाइप ये बना हुआ है, जॉइंटेड लेकर बना है, और फ्लेयर भी काफी अच्छा है, और इतना क्यूट है। इसके बॉर्डर में भी आपको पूरा लेस मिल जाएगा, कपड़ा 100% कॉटन है, जितने मैंने कपड़े दिखाए ना उससे बेस्ट एक समर में तो एकदम मतलब वाव कपड़ा है ये कपड़ा, जहां भी दिखे ना आप ले लो। इसका कलर भी बहुत प्यारा, कपड़े का क्वालिटी पूरा कॉटन है आपको मतलब, और ये कपड़ा लंबा चलेगा, इसमें का ना रंग जाएगा ना ये फेडेड होगा बिल्कुल भी, कुछ भी नहीं होगा, मुझे नहीं लगता ये इतना चढ़ेगा। ये कपड़ा बहुत ही प्यारा है, लुक इतना प्यारा आ रहा है, देख सकते हो आप, ईद में भी इसे वेयर कर सकते हो आराम से, बहुत प्यारा लगेगा आपके ऊपर। आप अगर आप लंबे हो तो और भी ज्यादा अच्छा लगेगा, लंबे नहीं भी हो नॉर्मल हाइट है तब भी, मतलब कोई भी हाइट हो यार, कोई भी कलर हो, कुछ भी हो, बहुत प्यारा लगने। एंड इसके साथ ही ना मुझे इसका दुपट्टा और पैंट रिसीव हुआ है, जो कि इसमें रबर है देखिए,
और इसका कपड़ा भी ना बहुत ही बढ़िया, एकदम कॉटन का कपड़ा है, बहुत ही बढ़िया कॉटन है, बहुत ही अच्छा, एकदम कंफर्टेबल है। गर्मी में तो एकदम ही आप मजा आ जाएगा ये कपड़ा पहन के, बहुत ही कंफर्टेबल होने वाला है। और इसमें मगर प्रिंट जो है ना वो थोड़ा अलग है, इसका प्रिंट ये है और इसका प्रिंट ये है, फिर भी बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये कपड़ा यार। मैं तो अगर नहीं मुझे मीशो में मिलता तो मैं मिंत्रा ही से ले लेती, क्योंकि इतना प्यारा इसका लुक है और इसके कपड़ा का क्वालिटी भी इतना प्यारा है। अभी मीशो पे हो सकता है कि ये आउट ऑफ स्टॉक हो, बट आप अगर आपको लेना है तो आप मिंत्रा से ले लो यार, आप बाय कर लो, कहीं से भी बाय कर लो, सच में बहुत ही मतलब अमेजिंग है, पैसा वसूल कपड़ा है। हो सकता है मिंत्रा पे इससे भी बढ़िया क्वालिटी आए इस कपड़े का। और इसके साथ ही ये दुपट्टा है जिसमें चारों तरफ लेस लगा है, चारों तरफ होता है ना दो तरफ लगा के दे देते हैं, बट इसमें चारों तरफ आपको लेस मिल जाएगा और काफी अच्छा मतलब लंबा सा है दुपट्टा भी, लंबा सा चौड़ा सा दुपट्टा है, काफी अच्छा है। बट इसका दुपट्टा थोड़ा ट्रांसपेरेंट तो है ही, बट दुपट्टे का मुझे क्वालिटी अच्छा नहीं लगा उतना, मतलब वो जो लोकल वाला सिफॉन नहीं होता है उस टाइप का है, बट दुपट्टे में लेस लगा के दुपट्टे का जान इन्होंने बढ़ा दिया है इन लोगों ने, तो दुपट्टा जो है ना आप काफी अच्छा लग रहा है लेस लगने के बाद, देख सकते हो। और एक कलर ही ऐसा है ना यार कि आप लोग मतलब रह ही नहीं पाओगे, देखो मैंने सिर्फ सर पे लिया है दुपट्टा तो कितना प्यारा लग रहा है। अब मुझे लगता है मिंत्रा पे इससे अच्छी बढ़िया क्वालिटी आ सकती है इस कपड़े की, इससे बढ़िया आएगा ये कपड़ा, अच्छा लगेगा ये, मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद आया था, दुपट्टा भी बहुत ही अच्छा लग रहा है लेस के कारण, बट बहुत हल्का सा है लेस लगा हुआ, मुझे लगा थोड़ा हैवी होगा बट ये हल्का है क्योंकि दुपट्टे का जो फैब्रिक है वो गंदा है इस वजह से। तो ये था फ्रॉक, मुझे बहुत बढ़िया लगा, बहुत बहुत बहुत, तो आपको पहन के भी मैं दिखा दूं कि ये कैसा लग रहा है, सच में इतना प्यारा लग भी रहा है कि नहीं पहनने के बाद यार, पहनने के बाद क्या ही मैं बोलूं, कैसे ये मुझे मिल गया मीशो पे। मीशो का भी मैं आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन पे, एंड मैं आपको मिंत्रा का भी लिंक दे दूंगी, क्योंकि मीशो पे मैंने देखा है शायद ये आउट ऑफ स्टॉक जा रहा है, पर आप मिंत्रा से ले सकते हो यार, आप चाहो तो इसे ईद में भी पहन सकते हो, क्योंकि इतनी गर्मी है ना थोड़ा सा मतलब कंफर्टेबल कपड़ा रहेगा ना तो मस्त लगेगा। और ये पहनने में भी कमाल का लग रहा है यार, कोई नहीं बोलेगा कि आपने अगर मिंत्रा पे आप लोगे तो आपको 1000 के अराउंड पड़ेगा, बट आप मीशो पे अगर लेते हो तो 600-700 के अराउंड आ जाता है। बट यार कहीं से भी लो, मैं तो बोलूंगी ले लो मिंत्रा से लो, मिंत्रा पे हो सकता है फैब्रिक और भी ज्यादा अच्छी हो, दुपट्टे की क्वालिटी अच्छी हो, ये कह सकती हूँ, बट आप कहीं से भी लो यार ये वाला कपड़ा ले लो, क्योंकि मैं मुझे बहुत पसंद आया, आप एक बार लेके तो देखो, चार लोग आपसे ना पूछे तो वो बताना इसमें कितना कमाल का ये लग रहा है, क्या ही मैं बोलूं। तो आपको कहीं भी मिल रहा है वो ले लो, आप मिंत्रा से भी लोगे तो आपको बढ़िया क्वालिटी मिलेगी, ये मैं कह सकती हूँ, इससे भी ज्यादा अच्छी क्वालिटी मिलेगी। आज का मेरा हॉल तो आप लोगों को कैसे लगा है आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, एंड हाँ नेक्स्ट मैं किस चीज पे हॉल करूँ अपना वो भी बताएंगे। और जो लोग अभी नए हो मेरे चैनल पे, जो अभी अभी मेरा चैनल विजिट किए हैं, वो लोग प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा। कोई भी सवाल होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई भी दूंगी आप लोगों को, कोई भी आपको क्वेश्चन होगा कपड़े से रिलेटेड या मुझसे रिलेटेड या फिर कोई भी वीडियो से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट जरूर करना। आप लोग रमजान के लिए भी कपड़े ले लो, मैं ईद के लिए एक अलग सी हॉल बना लूंगी, ईद का कलेक्शन जो होगा ना वो थोड़ा पाकिस्तानी वेयर में होगा, तो आप लोग सब्सक्राइब कर दो, वो पाकिस्तानी ड्रेस का मैं सोच रही हूँ हॉल करूँ। मैंने अपना कम्युनिटी पोस्ट किया है एक, जिसमें कोरियन इयररिंग्स है, ईद के लिए आपको ज्वेलरी की भी तो जरूरत पड़ेगी ना, एंड ज्वेलरी का भी मैंने हॉल बनाया है, वीडियो बना रखा है, तो उस पर भी आप विजिट करो, एंड देन आपको कोई भी उसमें ना हाँ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि एक ही लिंक है, आपको क्लिक करना और फिर जितने भी मेरी कलेक्शन होगी ना सारे आपको शो कर जाएंगे, आप उस पे जाओ, उस पे से आपको डिस्काउंट मिलेगा मेरे लिंक से, अगर आप कोई भी ड्रेस या भी कुछ भी लेते हो तो वहां पे जाओ, मेरे प्रोफाइल होगा वहां पे आपको डिस्काउंट मिलेगा, वहां से परचेस करना, ठीक है ना, आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो ज्वेलरी का भी है, कपड़ों का भी है, मैं पोस्ट कर दे रही हूँ कम्युनिटी में जो भी मेरे कलेक्शन, अभी तो हॉल बनाना उतना मतलब टाइमिंग नहीं होगी, उतना टाइम नहीं है हमारे पास कि रोज रोज हॉल वीडियो डाले, बट मैं आपको एक एक कलेक्शन रोज कम्युनिटी पोस्ट पे डालूंगी, जिसमें एक लिंक होगा जिसे आप क्लिक करोगे, एक लिंक में ही आपको सारा मतलब प्रोडक्ट लिस्ट मिल जाएगा, चाहे वो ज्वेलरी के हो, कपड़े के हो, या फिर फुटवेयर हो, या फिर हैंड बैग्स हो मीशो के, और सारे अफोर्डेबल होंगे, सारे बजट फ्रेंडली होंगे सारे प्रोडक्ट, तो आप वहां से परचेस कर सकते हो, आप मेरे लिंक से परचेस करोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, जो कि आप और भी मतलब 3 ऑफर्स लगा के तो और भी सस्ते हो जाएंगे। तो आज का इतना ही मेरा वीडियो था, एंड थैंक यू सो मच, एंड बाय बाय, फिर मिलेंगे, फिर मिलूंगे।